नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली के लुटियंस जोन में लोधी स्ट्रेट वाले प्रियंका के बंगले को खाली कराने के मुद्दे पर अब राजनीति शुरू हो गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बीच ट्विटर वॉर भी शुरू हो गया है। इस आरोप प्रत्यारोप की शुरुआत प्रियंका के एक ट्वीट से हुई, जिसमें उन्होंने एक खबर को फर्जी करार दिया था, जिसमें लिखा था कि प्रियंका के आग्रह पर सरकार ने उन्हें इस बंगले में कुछ और समय तक रहने की इजाजत दे दी है। वहीं प्रियंका ने इस खबर को ट्वीट करते हुए लिखा कि फेक न्यूज, मैंने सरकार से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है। 1 जुलाई को मुझे सौंपे गए पत्र के मुताबिक मैं 1 अगस्त तक 35 लोधी स्टेट का सरकारी आवास खाली कर दूंगी। वहीं इस ट्वीट का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लिखा कि तथ्य खुद बोलते हैं। एक शक्तिशाली कांग्रेस नेता ने मुझे 4 जुलाई 2020 को दोपहर 12:05 पर अनुरोध किया कि 35 लोधी स्टेट को एक और कांग्रेस सांसद को आवंटित किया जाए ताकि प्रियंका वाड्रा वहां रह सके। चलिए हर चीज को सनसनीखेज नहीं बनाते हैं। हरदीप सिंह पुरी के इस ट्वीट का जवाब देते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि यदि किसी ने आपसे कहा है तो मैं उनकी चिंता के लिए उसे धन्यवाद कहती हूँ, साथ ही आपके विचार के लिए भी धन्यवाद देती हूँ, लेकिन यह भी तथ्यों को नहीं बदलता है कि मैंने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया और मैं ऐसा कोई अनुरोध नहीं कर रही हूँ। मैं 1 अगस्त तक घर खाली कर दूंगी। वहीं प्रियंका के इस जवाब पर हरदीप सिंह पुरी ने फिर पलटवार किया और उन्होंने लिखा कि जिस नेता ने मुझे कॉल किया था वो और कई कांग्रेस में बेहद टॉप पोजीशन पर है। वहीं पॉलिटिकल एडवाइजर जो आपके परिवार की तरफ से बोलते और काम करते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की, तभी हमने 2 महीने का एक्सटेंशन देने का फैसला किया। पूरी का इशारा सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल की तरफ मालूम होता है। फिलहाल बंगला खाली कराने के विवाद को लेकर राजनीति चरम पर है। केंद्र सरकार की ओर से 2 महीने का एक्सटेंशन मिलने के बावजूद प्रियंका गांधी 1 अगस्त को बंगला खाली करने की बात कह रही हैं। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में बंगला खाली करना विपक्ष के लिए एक मुद्दा रहने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।